दोस्तों आज का खास वीडियो यूट्यूबर्स के लिए है जो मान लो कि पहले से यूट्यूब पे चैनल बनाए रखे हैं या अभी अपना नया नया वो चैनल स्टार्ट किया है, तो वो अपने चैनल को ग्रोथ कैसे करेंगे आज के इस वीडियो में हम लोग वो स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले हैं। क्योंकि आपको यूट्यूब के अंदर एक नया ऑप्शन मिलता है, नया अपग्रेड आया है जिसके अंदर हम लोग शॉर्टकट वीडियो बना के उस पर अपलोड करेंगे। तो जैसे अपने स्टेटस दिखती है फेसबुक पे हम लोग स्टोरी लगाते हैं, उस तरह स्टोरी की तरह वो यूट्यूब पे हमारे वीडियो शॉर्टकट के अंदर दिखाई देंगे। हाँ, लेकिन वो उस वीडियो के अंदर यूट्यूब अपना जो टाइम है वो ऐड नहीं करेगा, लेकिन जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो उसके अंदर ऐड होंगे। कैसे? तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग यही सब बात करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मैं सत्यपाल शर्मा टेक्निकल दोस्त इंडिया के चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। कैसे वीडियो अपलोड करेंगे वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, जो आपका वीडियो यूट्यूब शॉर्टकट के अंदर चला जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो आपका है वो एक मिनट से कम का वीडियो होना चाहिए, जैसे 30 सेकंड का, 16 सेकंड का, या मतलब एक मिनट से कम वीडियो है वो होना चाहिए। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, वीडियो को कैसे अपलोड करेंगे पूरा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। ध्यान रहे इसमें, जैसे हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं तो हमें थंबनेल लगाने की ज़रूरत नहीं है, और वीडियो को हम लोग अपडेट करते समय ध्यान रहे हैशटैग का उपयोग है वो बहुत ज़रूरी करना है। कैसे? तो चलिए मैं आपको एक वीडियो अपलोड करके दिखाता हूँ जो मेरा यूट्यूब शॉर्टकट वीडियो के अंदर जाने वाला है। तो मैं यहाँ से अपडेट करूँगा और फाइल है वो सेलेक्ट करूँगा। तो मैंने एक वीडियो बनाया है शॉर्टकट के अंदर ये वाला, तो मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। जान रहे वीडियो इस टाइप का होना चाहिए, जैसे अपने फ़ोन इस तरीके से नहीं होना चाहिए, फ़ोन को थोड़ा जैसे अपने टिकटॉक के वीडियो वगैरह बनाते थे या इस टाइप के जो वीडियो बनाते थे उस तरीके से वो फ़ोन होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि ये उस वीडियो को वो अपने आप में कवर कर लेगा और आपका जो वीडियो है वो यूट्यूब स्टोरी के अंदर चला जाएगा या शॉर्टकट वीडियो के अंदर चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ, मैंने हैकिंग पर वीडियो बनाया था ये, तो मैं नाम दे देता हूँ मोस्ट डेंजर हैकर्स, इसका मैंने वीडियो को नाम दिया है। और अब मैं यहाँ पे हैशटैग लगा के लिखूँगा ताकि मेरा स्टोरी के अंदर जाए, तो मैं यहाँ पे हैशटैग कर देता हूँ। और हैशटैग करने के बाद में मुझे लिखना है शॉर्ट, ताकि वीडियो मेरा शॉर्ट वीडियो के अंदर जाए, SHORT शॉर्ट, और स्पेस दे दूँगा या इसी के अंदर मैं लिख दूंगा शॉर्ट वीडियो के अंदर हैशटैग लगा दूंगा और लिख दूंगा टेक्निकल। तो ये मेरा जो वीडियो है वो शॉर्टकट वीडियो के अंदर जाएगा, मैंने क्योंकि शॉर्टकट इसको है वो हैशटैग कर दिया। इस चीज़ का आप लोगों को है वो ध्यान रखना है। बाकी डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको ज़्यादा कुछ नहीं देना है, तो आप अपने हिसाब से देना चाहो तो लिख सकते हो, जैसे मैं लिख रहा हूँ लाइक कॉमेंट एंड शेयर, और नीचे आप अपना वो आपके डिस्काउंट पे। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता, तो कैसे करना है वो थंबनेल आपको देना है, आप थंबनेल ठीक है, प्लेलिस्ट के अंदर भी इस वीडियो को लेना चाहो तो प्लेलिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हो, और सिंपली मोर डिटेल के अंदर जाना है। अब यहाँ से आपको हैशटैग करना है, तो आप उसको टैग करना चाहो टैग कर देना, और उसके बाद वो पोस्ट कर देना। तो मैं अभी टैग कर रहा हूँ, तो हैशटैग मैंने कर दिया जिन जिन को मुझे हैशटैग करना था। हैशटैग भी आपको ज़्यादा बड़े हैशटैग नहीं रखने हैं, छोटे छोटे हैशटैग रखने हैं। और अब वीडियो पर वो एड वाला ऑप्शन आपको नहीं करना है, पब्लिक कर देते हैं। तो ये जो वीडियो गया है वो डायरेक्ट वीडियो आपके कहाँ जाएगा, आपके यूट्यूब वीडियो की जो स्टोरी होती है उसके अंदर वीडियो चला जाएगा, जहाँ पर हम लोग शॉर्टकट वीडियो लगाते हैं वहाँ। तो ये अपना काम हो गया, ये वीडियो और वो शॉर्टकट वीडियो के अंदर लग चुका है। अगर दोस्तों आप मोबाइल से शॉर्टकट वीडियो है वो अपलोड करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे एक प्लस का सिंबल है वो दिखाई दे रहा होगा। यदि आपके YouTube में ये प्लस वाला सिंबल है वो नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, सिंपली अपने प्ले स्टोर के अंदर जाके अपना YouTube है वो अपडेट करना है।
जैसे ये प्लस का सिंबल आ जाएगा तब आपको यहाँ पे देखो अपडेट वीडियो, यहाँ बीटा वर्जन के अंदर बता रहे ना क्रिएट ए शॉर्टकट, तो यहाँ पे आप शॉर्टकट वीडियो के अंदर भी अपना जो वीडियो है वो यहाँ पे अपलोड है वो कर सकते हो। तो यहाँ पे आप सिंपली इस वीडियो को अपडेट करोगे तब आपके सामने कैमरा है वो ओपन हो जाएगा, और कैमरे से नहीं करो तो यहाँ पे आपको अपडेट मिल रहा है गैलरी, तो आप गैलरी से जो भी आपके वीडियो बनाए हुए हैं उनमें से कोई भी वीडियो है वो सेलेक्ट करके यहाँ पे आप वो अपडेट कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने ये वीडियो सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पे आपको क्या करना है सिंपली नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है, आपका जो भी टाइटल है वो टाइटल देना है, डिस्क्रिप्शन दे सकते हो आप यहाँ पे, और लोकेशन भी है वो आपकी कर सकते हो और प्लेलिस्ट में भी कर सकते हो। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है और वीडियो अपलोड करना है। तो ऐसे करते ही आपका वीडियो है वो शॉर्टकट वीडियो के अंदर है वो चला जाएगा। तो मैंने दोनों तरीके हैं वो आपको बता दिए, उसके अंदर आपको ध्यान रहे हैशटैग करना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप है वो यूट्यूब पे शॉर्टकट वीडियो है वो अपलोड कर सकते हो। इससे क्या बहुत सारे आपके सब्सक्राइबर आ सकते हैं, और ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपके 1K सब्सक्राइबर हो तभी आप वो यूट्यूब में शॉर्टकट वीडियो है वो स्टोरी के अंदर ऐड कर सको, तो ये कोई नियम लागू नहीं होता। कोई भी वो वीडियो अपना स्टोरी के अंदर है वो अपडेट कर सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको नॉलेज मिल रहा है, तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है। और आप दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।